देख सकते हैं मेरे सामने जो बाइक खड़ी है बेनेली का 502C अर्बन क्रूजर मॉडल। एक बाइक का मॉडल हो जाता है 502C और इसका नाम हो जाता है अर्बन क्रूजर। बाकी आपको कमेंट करके बताना सबसे पहले कि बाइक आपको कैसी लगती है। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी कमाल का, आपको इस लुक में कोई अदर कंपनी में नहीं मिलने जा रहा है मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो, क्योंकि हम हर एक शोरूम विजिट करते हैं, देखते हैं वहाँ पे अलग अलग मॉडल अलग अलग वेरिएंट का अलग सारा बाइक, लेकिन यहाँ पे जो बाइक आप देख रहे हैं एक अलग ही लेवल पे यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो बाइक का फुल डिटेल्स, फुल फ्यूचर, सारा कुछ प्राइस से रिलेटेड हम आपको जानकारी देंगे। और अभी जो इसका प्राइस पड़ जाता है 6,32,000 6,32,000 ऑन रोड प्राइस। तो चलिए बाइक का रिव्यू सबसे पहले शुरू कर लेते हैं, बाइक में क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ पे इसका 2 Q मिलेगा देखने के लिए कुछ इस तरह का, जहाँ पे 3 Q, एक ये स्मार्टेस्ट क्यू जो स्मार्ट फीचर के साथ यहाँ पे दिया गया है, ये धड़ाक, इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं। लगाने के बाद वन करेंगे, वन करते ही देख सकते हैं इसका डिजिटल क्लस्टर, यहाँ पे टाइमिंग, यहाँ पे RPM मीटर, यहाँ पे हो जाता है आपका फ्यूल मीटर, ये टेम्परेचर, किलोमीटर, गियर शिफ्टिंग, यहाँ पे किलोमीटर ट्रिप वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा एक ही चीज। यहाँ न्यूट्रल का लाइटिंग, लेफ्ट राइट टर्न इंडिकेटर, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं पासिंग का स्विच, बाकी एक एक चीज देखा जाए, लो इंजन ऑयल, लो फ्यूल मीटर, यहाँ पे ABS का लाइटिंग, और इधर साइड से देखा जाए तो यहाँ पे मिल जाता है इंजन चेक लाइट, यहाँ पे इंजन चेक लाइट, यहाँ पे टेम्परेचर, सारा कुछ यहाँ पे दिया गया बेनेली का, यहाँ पे मतलब बेनेली का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हैंडल पे भी बेनेली का बैचिंग किया गया है, इतना सारा कुछ। फ्यूल टैंक यहाँ पे मिल जाएगा, ऐसे मैनुअली किसी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे 502C क्रूजर लिखा हुआ देखने के लिए मिल रहा है, बेनेली का स्टिकर यहाँ पे देख सकते हैं। क्लच लीवर जो है फुली एडजस्टेबल है, अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पासिंग का स्विच, ठीक है, इधर लो बीम, हाई बीम, लेफ्ट राइट इंडिकेटर, यहाँ पे हॉर्न का स्विच, इधर देख सकते हैं इंजन ऑफ करने के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं हजार्ड लाइट का बटन, यहाँ पे बाकी हो जाता है आपका सेल्फ स्टार्ट, इसको दबाते हैं स्टार्ट हो जाएगा। इसमें किक विक नहीं आता है तो ज़रा कुछ दिमाग इसमें लगाना ही नहीं है, क्योंकि किक का ऑप्शन इसमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। फ्रंट लुक से बात करेंगे तो देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे मिल जाता है फुल्ली LED सेटअप DRL के साथ, और यहाँ पे मिल जाता है आपको LED हेडलाइट नीचे प्रोजेक्टर के साथ, इतना सारा कुछ। बाकी इसका जो इंडिकेटर का लाइटिंग देखा जाए ना, काफ़ी कमाल का दिया गया। फ्रंट सस्पेंशन देखा जाए, ये हो जाता है आपको USD फॉर्क, जिसको बोला जाता है अप साइड डाउन, ये हर एक बाइक में आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। इन बेनेली का जितना सारा अप्रोक्स लगभग जितना सारा बाइक है ना, सब में आपको USD फॉर्क देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसका जो होता है ना परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ा होता है। फ्रंट मेडगार्ड का बात करें तो प्लास्टिक फाइबर में दिया गया, लेकिन बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है। सस्पेंशन पे यहाँ पे देख सकते हैं आपको मिल जाता है देखने के लिए ये रिफ्लेक्टर, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं रेडिएटर भी दिया गया लिक्विड कूल्ड के साथ। इसमें दोनों साइड से डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा, लेफ्ट एंड राइट दो डिस्प्ले इधर उधर। और बेनेली का देख सकते हैं डुअल पिस्टन कैलिपर में देखने के लिए मिल रहा है। टायर का साइज बात करें तो वहाँ पे देख सकते हैं 120/70 और 17 इंच का अलॉय व्हील के साथ ड्यूलेस टायर यहाँ पे दिया गया है फ्रंट में। ये हो जाता है नंबर प्लेट का ऑप्शन, इधर साइड से भी देख सकते हैं इसका डिस्प्लेट वगैरह सारा कुछ काफ़ी कमाल का। इसमें एक अलग ही लेवल का टायर यहाँ पे यूज किया गया है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कूलेंट वूलेंट डालने के लिए, और ये हो जाता है रेडिएटर, ये देख सकते हैं इंजन गार्ड जो प्रोटेक्ट करता है इंजन को। बाकी इसका चेचिस वगैरह देख सकते हैं काफ़ी कमाल का दिया गया है, लुक वाइज और हर एक चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। बाकी आगे हम बात करते हैं इसका टैंक पे, तो बैचिंग वगैरह किया गया है बेनेली का, तो देख सकते हैं स्टिकर किया गया है। बाकी कलर कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताना है। ये हो जाता है आपका ब्रेक पेडल, ठीक है, ये हो जाता है फुटरेस्ट, ये ऑटोमेटिक पे इंजन प्रोटेक्टर में बेनेली का किया गया है, देख सकते हैं मैनुअली आ जाएगा। जस्ट इसका काफ़ी छोटा स्टैंडर्ड साइज में दिया गया है, लुक वाइज अगर देखा जाए तो काफ़ी कमाल कहाँ पे लग रहा है। बैकलाइट है देख सकते हैं 502C पैनल पे, सीट देख सकते हैं ऐसे क्रूजर बाइक तो दो जन आराम से इसमें बैठ सकते हैं, इधर पिलियन, ठीक है। लाइट इसका देख सकते हैं लेफ्ट इधर और राइट इधर, कुछ इस तरह का इंडिकेटर नीचे यहाँ पे दिया गया है, नंबर प्लेट यहीं हो जाएगा, नीचे रिफ्लेक्टर, इतना सारा कुछ। रियर ब्रेकिंग देखा जाए तो यहाँ पे सिंगल पिस्टन में और बेनेली का पिस्टन, एक बेनेली बाइक जिसमें हम देख रहे हैं कि इसका ब्रेकिंग खुद यहाँ पे कंपनी का मिल रहा है आपको। फ्रंट और रियर दोनों में देख सकते हैं बेनेली का सारा सेटअप लगा हुआ है। बाकी वहाँ पे देख सकते हैं सस्पेंशन जो डाला हुआ है मोनो सस्पेंशन बीच में। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं रियर डिस्क ब्रेक सारा कुछ सेटअप। इसका टायर का बात करें तो 160/60 और 18 इंच, मतलब फ्रंट और रियर दोनों का दोनों आपको 17 इंच में देखने के लिए मिलेगा फुल अलॉय व्हील सेटअप के साथ, एक एक चीज़ देख सकते हैं। बाकी इसका जो रियर जो स्पेस दिया गया ना ऊपर से नीचे, बाकी ये जो देख रहे हैं ये हो जाता है आपका ग्रेव रियर सपोर्ट, बैक सपोर्ट जिसको बोला जाता है अगर पिलियन बैठता है तो उसके सपोर्ट के लिए, ठीक है। टायर जो 160 दिया गया, काफ़ी बड़ा साइज में दिया गया, 160 देख सकते हैं, अगर टायर के अकॉर्डिंग देखा जाए ना तो काफ़ी बड़ा साइज में दिया गया है, ठीक है। बाकी इधर लेफ्ट साइड से अगर देखा जाए तो यहाँ पे की हो लग जाएगा, जो की से आपका सीट वगैरह जो है ये ओपन हो जाता है। बाकी रियर देख सकते हैं चेन ड्राइव में मिल जाता है,
सारा कुछ इधर देख सकते हैं। साइड स्टैंड में ऑटो का टॉप का स्विच मिल जाएगा। साइड स्टैंड को जैसे ओपन करते हैं बाइक बंद और साइड स्टैंड पे है तो स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक जो है नॉर्मली फोल्डेबल आएगा। ये पिलियन के लिए, सॉरी ये राइडर के लिए फुल सेटअप इधर से देखा जाए तो। बाकी इंजन जो है 500 सीसी के सेगमेंट में आती है। एक एक चीज अगर कुछ भी छूटता है कमेंट सेक्शन में बिंदास कमेंट कर सकते हैं, कंफर्म कि आपको जानकारी देंगे। बात कर ले इसका प्राइस से रिलेटेड, 6,32,000 मतलब 6,32,000। बाकी डाउन पेमेंट 20-25% आपको डाउन पेमेंट पड़ेगा। अगर आपका प्रोफाइल सही है तो और भी कम हो सकता है। बाकी अगर नहीं है तो मिनिमम आपको 25% डाउन पेमेंट करना हो। कम से कम डॉक्यूमेंट में सारा प्रोसेस यहाँ पे लोन से रिलेटेड हो जाएगा अगर बाइक में, ठीक है। बाकी अगर कुछ भी छूटता है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इस तरह बाइक से रिलेटेड कंटिन्यू रिव्यू लेके आते रहते हैं। बाकी आपको कमेंट करके बताना ये बाइक आपको कैसी लगती है लुक वाइज। अगर अच्छी लगती है तो फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं, बाकी कमेंट करके हमको बता सकते हैं, ठीक है। और कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी आ रहा होगा, यहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से आपको पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। शोरूम का डिटेल्स नीचे दिया गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। बाकी आपको कैसा लगा रिव्यू 502C अर्बन क्रूजर का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।